दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक डाइट होता है उसको बोलते हैं कीटो डाइट। ये कीटो डाइट क्या होता है और इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है? तो कीटो डाइट वो डाइट होता है जिसमें खाने में फैट की मात्रा टोटल डाइट का कम से कम 60 से 70% होता है। इसमें क्या है, बहुत हाई फैट डाइट होता है। जैसे पहले एटकिन डाइट हुआ करता था, एटकिन डाइट, उस तरह से कीटो डाइट होता है। इसमें फैट बहुत ज़्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम खाना होता है। टोटल कैलोरी का केवल 5% कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, यानी पर डे कार्बोहाइड्रेट 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्लस इसमें प्रोटीन इंटेक ज़्यादा लेते हैं, लाइक टोटल डाइट का 20 से 25% इसमें प्रोटीन इंटेक होता है। तो दुर्भाग्य क्या है कि समाज में बड़ा गलत धारणा है कि फैट खाने से वेट बढ़ता है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, इसलिए लोग फैट कम खाते हैं। पर सच्चाई ये है कि अगर हेल्दी फैट खाएंगे तो इससे आपका वेट घटेगा, आपका हार्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की 2020 की स्टडी जुलाई में आई थी कि घी मक्खन, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी 2020 जुलाई की स्टडी है कि घी मक्खन, फुल क्रीम दूध, रेड मीट और इवन डार्क चॉकलेट, जिसमें कि सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है जो कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बट स्टडी में देखा गया कि इससे हार्ट की प्रॉब्लम या डायबिटीज खतरा नहीं बढ़ता है। क्योंकि स्टडी में देखा गया कि जो सैचुरेटेड फैट होते हैं, जो बताया हमने, इवन अंडे के येलो भी, रेड मीट भी, ये बॉडी में टोटल कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ाती है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, बट ये जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है ये टाइप ए होती है, लार्ज साइज होती है। इसलिए हार्ट के नसों में जम करके हार्ट की ब्लॉकेज, ब्रेन की नस ब्लॉकेज या डायबिटीज खतरा नहीं बढ़ाती हैं। इसे आप हाई फैट डाइट लीजिए जिससे आपका डायबिटीज कंट्रोल आएगा, आपका वेट भी घटेगा। और कोई मोटे हैं तो आप वेट इससे कम करके डायबिटीज खत्म करते हैं, बीपी खत्म करते हैं, फैटी लिवर खत्म करते हैं। अगर आपका वेट नॉर्मल है तो आप कीटो डाइट से बिना दवा के आप शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। तो कीटो डाइट करना क्या, देखिए बेस्ट होता है कीटो डाइट प्लस इंटरमिटेंट फास्टिंग। मैंने अगर वेट कम करना चाहते हैं तो आप केवल 2 बार खाइए, और वेट मेंटेन करना तो 3 बार खा सकते हैं, बट और वेट कम करना बेस्ट होता है कीटो डाइट प्लस इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी कि दिन में केवल एक खाना को छोड़ दीजिए, नाश्ता लंच डिनर में कोई एक खाना छोड़ दीजिए। और अगर वेट नॉर्मल है आपका, मेंटेन करना चाहते हो, आप 3 बार खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, बार बार नहीं खाना आपको, जो भी खाना खाना है नाश्ते में, लंच में, डिनर में। और वेट कम करा तो कोई एक मील स्किप करना पड़ेगा, आप नाश्ता और डिनर कर लिए, लंच स्किप करिए, या लंच और डिनर करिए, ब्रेकफास्ट स्किप कर लीजिए। जहाँ तक कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट जो भी खाएंगे, असल ये हमारे हरी सब्जियाँ हैं, सलाद है, जितने भी हैं हमारे, जैसे खीरा है, मूली है, ककड़ी है, प्याज है, सलाद पत्तियाँ हैं, जितनी हरी सब्जियाँ हैं, इन सब में क्या होता है कि हर 100 ग्राम में 3 ग्राम कार्ब होता है। और जितनी भी हमारी नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि हमारा लौकी, तोरी, भिंडी, बैंगन, परवल, सेम, इन सब में हर 100 ग्राम में 3 ग्राम कार्ब होता है, तो ये से अलाउड है। प्लस लो कार्बोहाइड्रेट फ्रूट्स होते हैं, हमारे कुछ फ्रूट इसमें लो कार्ब फ्रूट होते हैं, लाइक हमारा ये स्ट्रॉबेरी है, शहतूत है, बेरी में फ्रूट काफ़ी कार्ब कम होता है, लो कार्ब वाले फ्रूट लेने हैं। और अगर मान लो जैसे नॉर्मल फ्रूट खाए तो मैक्सिमम 150 ग्राम को एक फ्रूट खा सकते हो, बस ज़्यादा नहीं खाना आपको। दूध दिन भर आपको करीब 1 पाव दूध ले सकते हैं यहाँ पे, और इस तरह से आप करीब इससे आपको 40-50 ग्राम कार्ब हो जाएगा। तो एक फ्रूट, 1 गिलास दूध और इन बाकी इन सब्जियों से आपको कार्ब लेना पड़ेगा। सबसे मेन बात है जो आपको रिफाइंड कार्ब टोटली तो मना, रिफाइंड कार्ब और फैक्ट्री मेड जो पैक्ड कार्ब जैसे वो सब टोटली मना है, जैसे कि चीनी है, गुड़ है, शक्कर है, फ्रूट जूस है, कोल्ड ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक्स है, बिस्किट है, कुकीज है, कुरकुरे, इन सब में चीनी मिले होते हैं, या हमारा कार्बोहाइड्रेट बहुत रिफाइंड होता है जिससे फट से शुगर बढ़ के इंसुलिन बढ़ा के मोटापा कर देता है या डायबिटीज बढ़ा देता है। ब्रेड है, पास्ता है, कॉर्नफ्लेक्स है, बन है, पापे फैन, चिप्स, फ्रेंच फ्राई, आइसक्रीम, चॉकलेट, मिठाइयाँ, मैदा चीज बनी, समोसा, वाइट राइस, ये सब टोटली आपको अवॉइड करना है, टोटली अवॉइड करना है।
आखिर कार्बोहाइड्रेट होता क्या, जो आपको मैंने बोला कार्बोहाइड्रेट अवॉइड करना है, तो आप जान लो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जितनी मात्र ग्रेन्स, ग्रेन्स मतलब कि ये गेहूँ उससे बनी चीज़ें लाइक आटा, दलिया, सूजी, रवा, ब्रेड, बिस्किट, नूडल, पास्ता, केक, पेस्ट्री, चीनी, ग्लूकोज टोटली मना है आपको, गुड़ शक्कर अवॉइड करना है, गन्ने का रस अवॉइड करना है, चावल की चीज़ें अवॉइड करना है, जौ, ओट्स, मिलेट, जितने बाजरा, ज्वार, रागी, कंगनी, कट्टू, संवत, रामदाना, कटकी, ये सब जितने मिलेट्स होते हैं, ये भी इनका कार्बोहाइड्रेट होता है 60% के आसपास, पर इसके अंदर एक अंदर होता है रेजिस्टेंट स्टार्च होता है जो स्लो शुगर बढ़ाता है, तो फिर कार्ब होता है, तो कीटो डाइट ये इनको भी कम लेना, टोटल सब मिला के होना चाहिए आपको टोटल पर डे 25 ग्राम, टोटल ऐसा नहीं ले सकते आप। सिमिलर मक्के का आटा, साबूदाना, सिंघाड़ा, किनोआ, गोंद, अरारोट, ये सब अवॉइड करना है। स्टार्ची वेजिटेबल जैसे कि शकरकंदी, आलू, पम्पकिन, सिंघाड़ा, अरबी, सूरन, जिमीकंद, सलजम, कमल डंडी, व्यापक सेम, हरी मटर, लिली बल्ब, ये सब कम लेना है, बहुत कम। फ्रूट दूध के भी 100 ml में हमारा होता है 5 ग्राम, तो दूध भी आपको दिन भर टोटल 100 ml अलाउड है, सॉरी 250 ml यानी एक गिलास अलाउड है। फुल क्रीम, आइसक्रीम, चॉकलेट अवॉइड करना है। दालों में 100 ग्राम में करीब 50% कार्ब होता है, ऐसे दालें सभी दालों में, तो इनको भी कम लेना, दिन भर में आप एक या दो कटोरी दाल ले सकते हैं आप। ड्राई फ्रूट सारे अलाउड है एक्सेप्ट मखाना, किशमिश, खजूर, काजू, अंजीर, 5 ड्राई फ्रूट में कार्ब ज़्यादा होता है, आपको इसको कम लेना है। बाकी बादाम, पिस्ता, अखरोट, ये मूंगफली दाना ले सकते हैं अच्छी मात्रा में, तो ये सब कार्ब आपको अवॉइड करना है। तो आखिर कीटो डाइट वाले खाएं क्या, तो मैं बोला कि आपको एक डाइट मिस करना है, तो आप मान लो ब्रेकफास्ट लेना है, तो सबसे पहले तो आप मैंने बोला कि ड्राई फ्रूट आराम से दिन में 3 मुट्ठी 4 मुट्ठी ले सकते हो, कोई लिमिट उसके लिए नहीं है। सुबह उठ के 5-6 ड्राई फ्रूट, एक तो बेट्टी ले लो बिना चीनी वाला, 5-6 ड्राई फ्रूट ले लो, है ना, कम से कम 4-5 चम्मच फ्लैक्सीड ले लो या 2-3 चम्मच चिया सीड ले लो, 1-2 अंडे ले लो ये पीला सहित, या ज़्यादा 3 भी ले सकते हो आप, 4-3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अंडे ऑमलेट बना सकते हो। इसके कुछ 0 कैलोरी फूड्स होते हैं जो नीचे बताऊँ क्या होते हैं, तो आपने सुबह उठ के ही ले लिया आपने, कुछ लोग नॉनवेज लेते हो, आप नॉनवेज ले सकते हो वहाँ पे, कुछ लोग पनीर ले सकते हैं यहाँ पे, आप चीज़ ले सकते हो चीज़, आप पे सलाद ले सकते हो, आप न्यूट्रिला बनी चीज़ें ले सकते हो, तो आप ये सब खाना है, इन सब में कार्बोहाइड्रेट बहुत कम है। आप नॉनवेज ले सकते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा लो ग्लाइसमिक लो कार्ब फूड हो गया हमारा, आपने ये ले लिया सुबह नाश्ते में। उसके बाद कोशिश करो कि सीधा आपने डिनर लिया, डिनर में भी सेम क्या हो गया आपका, डिनर में आप अच्छा कुछ चाहें कि आप रोटी खाना चाहते हैं मान लीजिए, तो आप कीटो आटा की रोटी खा सकते हैं, आप कीटो आटा की रोटी ले सकते हैं नाश्ते में। कीटो आटा क्या होता है, बादाम और मूंगफली का आटा होता है, बादाम मूंगफली का आटा होता है, ये ले सकते हैं आप, इसके 1-2-3 भी ले सकते, कोई दिक्कत, इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, इसमें नॉर्मली वेट नहीं बढ़ता है, पर पेट भरा भर रहता है। या आप घर पर आलमंड बादाम को मिक्सिंग पीस के उसका आटा बना सकते हो, या मूंगफली आटा बना सकते हो, आप ये ले सकते हो, प्लस थोड़ा एक और दाल ले सकते हो, सब्जी ले सकते हो, और दिन भर एक फ्रूट आपको अलाउड है। आप दिन भर में एक गिलास जो दूध मिला उसका चाय बनाओ, या चाय उसकी लस्सी बनाओ, जो मर्जी बनाओ, प्लस आप रोटी में घी चुपर से खूब दिन भर आराम से 6-8 चम्मच घी या मक्खन खा सकते हो, घी मक्खन खा सकते हो अच्छी मात्रा में, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं आप चुपड़ के या पराठा बना के पेट भरने के लिए आप ले सकते हैं, प्लस आप जो लोग कोकोनट ऑयल यूज़ वो भी पसंद करते हैं, सरसों तेल या मूंगफली तेल, तिल का तेल ये भी यूज कर सकते हैं आप ले सकते हैं, बट आपको रिफाइंड ऑयल अवॉइड करना है। रिफाइंड ऑयल मतलब कि ये सोयाबीन का तेल अवॉइड करना है, सनफ्लावर तेल अवॉइड करना है, सनफ्लावर तेल अवॉइड करना है, राइस ब्रान ऑयल भी अवॉइड करना है। रिफाइंड ऑयल से देखा गया कि थोड़ा इंसुलिन रेजिस्टेंस होकर वेट बढ़ने खतरा होता है। फलों में आप एवोकाडो फल एक बड़ा होता है जिसके अंदर बहुत कम कार्ब होता है, ले सकते हैं आप, नारियल ले सकते हैं कच्चा है पका ले सकते हैं, अलसी और फ्लैक्सी ले सकते हैं, चिया सी ले सकते हैं,
ड्राई फ्रूट कितना भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ड्राई फ्रूट में बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू नहीं लेना आपको, मूंगफली ले सकते हैं आप। किशमिश, मुनक्का, खजूर, मखाना अवॉइड करना, इसको अवॉइड करना आपको, इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। प्रोटीन सोर्स के लिए आप पनीर, चीज़, इसमें बहुत मुश्किल से एक ग्राम कार्ब बहुत कम होता है। दूध की मलाई भी ले सकते हैं आप, मिल्क क्रीम भी ले सकते हैं, उसके 25% फैट होता है। दूध लेना, फुल क्रीम दूध लेना आपको, टोटल 1 ग्लास पर डे। सोया पनीर ले सकते हैं, टोफू, सोया मिल्क ले सकते हैं, सोयाबीन की कुछ भी खा सकते हैं, बढ़िया खा सकते हैं। 2 कटोरी दाल पर डे ले, स्प्राउट ले सकते थोड़ा बहुत। हरी सब्जी कितनी मर्जी खाई, कोई लिमिट नहीं है। पत्तेदार लीजिए, सलाद खूब लीजिए। मैंने बोल दिया स्टार्ची वेजिटेबल अवॉइड करना है, आलू, शकरकंद, अरबी टाइप जी कॉर्न अवॉइड करना है। अंडा वाले जितनी मर्जी अंडा खाएं, नॉनवेज खाएं, जब मर्जी खाएं। नॉनवेज में आप चिकन, फिश, रेड मीट, सी फूड कभी खाएं, उसे कोई दिक्कत नहीं है, भरपेट खा सकते हैं। सिमिलरली डिनर में आपको 1, 2, 3 कीटो आटा है, एलिमेंट का आटा खा लिया आपने, अंडे खा लिए 2, 3, 4 प्लस नॉनवेज खा लिया, पनीर खा लिया, चीज़ खा लिया, सब्जी खा ली, दाल खा लिया 1 कटोरी, ड्राई फ्रूट खा लिया, सीड्स खा लिए 1 कटोरी, दूध में थोड़ा दूध दही कुछ ले लिया, सलाद ले लिया आपने, उससे पेट भर जाएगा। तो हमने बोला कि आप या तो नाश्ता और डिनर किया आपने, ब्रेकफास्ट लंच आप स्किप कर दिया, या कुछ लोग क्या करते हैं कि ब्रेकफास्ट करते हैं उसको डिले कर देते हैं, लंच और डिनर खाली करते हैं, वो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं। तो अब आपकी पसंद, जो स्किप करिए आप। तो अगर मान लीजिए उसे बहुत मोटापा ज़्यादा है, जो अगर आप खाली कीटो डाइट वेट मेंटेन कर सकते हैं, शुगर कंट्रोल रखते हैं, बट कुछ लोग चाहते हैं वेट कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको अपना डाइट में थोड़ी सी इंटरमीडिएट फास्टिंग ऐड करनी पड़ेगी। उसे मैंने बोला कि आपने ब्रेकफास्ट क्या किया, मान लो ब्रेकफास्ट स्किप करना आपको, तो अपना ब्रेकफास्ट सुबह मत करो, आप थोड़ा डिले कर दो उसको, करीब 12 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट लंच एक साथ कर लो, और फिर रात को 8 बजे डिनर करो। इसे बोलते हो गया इंटरमीडिएट फास्टिंग, यानी ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया आपने, तो इधर 16 घंटे खाली पेट हो गया आपका। रात 8 बजे खाना खाया और सुबह आपने 12 बजे खाया, तो आपने 16 घंटे खाली पेट हो गया, तो 16 घंटे आपने खाली पेट रहे, 8 घंटे खाया आपने, इस तरह इंटरमीडिएट फास्टिंग हुआ। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, आप ब्रेकफास्ट कर लिया, डिनर कर लिया, बीच में आपने लंच स्किप कर दिया, आप अपनी पसंद है अपनी अपनी। तो अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप कर, पहले आपने 12 बजे से ब्रेकफास्ट लंच साथ किया, कुछ दिन बाद आपने जब शूट करने लगा आपको, तो आपने अपना ये जो ब्रंच होता है, जो मील को आप ब्रेकफास्ट 12 बजे आपने 1 बजे कर दिया, थोड़ा डिले किया आपने, 8 बजे खाना खाया, तो 7 घंटे खाना खाया और 17 घंटे कुछ नहीं खाया आपने, तो आपने फास्टिंग बढ़ गई। फिर कुछ दिन आपने अपने लंच को डिले कर 2 बजे कर दिया आपने, तो 2 से 8 आपने 18 घंटे खाली पेट रह गए, 6 घंटे खाना खाया, इस तरह कुछ दिन 3 बजे खाना खाया, 4 बजे खाना खाया, धीरे धीरे आपने 7 बजे तक कुछ नहीं खाया, सीधे 7 बजे से 8 1 घंटे खाना खाया बीच में। कुछ दिन बाद आपने कल दिन में 1 खाना खाया, रात को 8 बजे 1 खाना खाया, 24 घंटे कुछ नहीं खाया आपने। फिर कुछ दिन ऐसा करते हैं आप, एडजस्ट करने लगे आप, तो 36 घंटे कुछ नहीं खाए, 36 घंटे बाद खाना खाया आपने, या 40 घंटे बाद खाना खाया, या आपने 48 घंटे 2 दिन कुछ नहीं खाया। कभी ऐसा करते हैं ऑल्टरनेट डे, आज खाया मैंने कि आज कुछ नहीं खाया, कल नॉर्मल खाया, फिर अगले फिर कुछ नहीं खाया, तो एक दिन छोड़ के फास्ट किया आपने। कभी आप 3 दिन लगातार कुछ नहीं खा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं आप, और वेट कम करना चाहते हो, लेकिन वेट मेंटेन के लिए आपको 3 मील ले सकते हैं आप कीटो डाइट में, वेट लूज के लिए आपको कीटो डाइट प्लस इंटरमीडिएट फास्ट ऐड करना पड़ेगा आपको। पर कोई स्ट्रिक्ट नहीं है, आप कभी फास्ट किया, कभी फास्ट नहीं भी किया, 3 मील खा लिया आपने, बट अगर फास्टिंग टाइम भूख ले तो क्या करें, तो आपको उस समय कार्बोहाइड्रेट अवॉइड करना, आपको आप प्रोटीन फैट खा सकते हैं, है ना। तो अब कुछ और होता है, मान लो फास्ट करें तो क्या खाएं, एक होता है जीरो कैलोरी फूड कि फास्टिंग टाइम में आप पानी पीसते हो, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, नींबू चाय, हर्बल टी, दालचीनी, हल्दी काढ़ा, डाइट सोडा, डाइट कोक, जलजीरा, नींबू पानी, पुदीना पानी ड्रिंक, रसम ड्रिंक, चटनी, एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हो, सिरका ले सकते हो, तुलसी पत्ता, धनिया पत्ता, नीम, करी पत्ता खा सकते हो, सलाद, हरी सब्जी खा सकते हो, वेजिटेबल सूप पी सकते हो, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल खा सकते हो, हेल्दी फैट घी मक्खन खा सकते हो, ड्राई फ्रूट खा सकते हो, सीड फ्लैक्स चिया सीड खा सकते हो, प्रोटीन पनीर, चीज़, एग, नॉनवेज खा सकते हो, तो ये सब खा सकते हो, कोकोनट खा सकते हो, इससे फास्टिंग टूटेगा, पर कार्बोहाइड्रेट खाना आपको।
प्लस एक्सरसाइज करो अच्छी तरह, 6 से 8 घंटे रोज सो, स्ट्रेस फ्री लाइफ जियो, प्लस आप डायबिटीज मेडिसिन खाते रहो तो आपका डायबिटीज बिना दवा के कंट्रोल हो सकता है। और वेट कम करना चाहते हो आप, वेट भी कम करके आप पे अपना डायबिटीज रिवर्स भी कर सकते हो। तो आई होप आपको नॉलेज मिला कि कीटो डाइट क्या होता है, नंबर 1। नंबर 2, कीटो प्लस इंटरमीडियंट फास्टिंग कैसे करें। सिंपली कार्बोहाइड्रेट बहुत कम खाओ, इससे आप डायबिटीज कंट्रोल रहेगा, वेट भी घटेगा और डायबिटीज मेंटेन रहेगा आपको। तो आई होप वीडियो आप अच्छा लगा, अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।